ऑटो चालकों को पुलिस चौकी इंचार्ज ने पढ़ाया नियम का पाठ। आजमगढ़ गंभीरपुर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशानुसार 22 जुलाई से 28 जुलाई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी सतीश यादव ने ऑटो चालकों को किया जागरूक और पढ़ाया नियम का पाठ। राजन प्रसाद की रिपोर्ट। अभियान आया हुआ है कि आप लोग रोड सुरक्षा अभियान चल रहा है। क्या चल रहा है? रोड सुरक्षा अभियान चल रहा है। आप लोग को अपने किस गति में चलना आप लोग को पता होना चाहिए। आपकी जो निर्धारित गति है कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। फिर भी आप सड़कों को देखते हुए, सड़कों की स्थिति को देखते हुए, कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, उसको बचाते हुए और उस हिसाब से आपको गाड़ी चलाना है, जिससे आप सुरक्षित रहिए, आपके भी गाड़ी में बैठे हुए सवारी सुरक्षित रहे। इसलिए आपको अपने निर्धारित गति में चलना। आपको कोई चोर नहीं पकड़ना है जो आप भागते हैं 80 की स्पीड में, 60 की स्पीड में। आपको सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देना है, तो आप आसानी से चलिए। जहां आपको रोकना है बिल्कुल बाएं पटरी पर रोकिए, जहां सवारी आसानी से उतरे, आसानी से चढ़े। आप हम देखते हैं आप बीच में ही गाड़ी रोक देते हैं, क्यों रोकते हैं आप? न रोकिए आप इस गाड़ी को। तो आपको अपनी गाड़ी बाएं पटरी पर लगा कर रोकना है, जहां सवारी उतरे और चढ़े। बड़ी गाड़ियों को आप पहले पास दे दीजिए। आप खुद ही बड़ी गाड़ी से आगे चलने का प्रयास करते हैं, उसकी स्पीड अलग है, आपकी स्पीड अलग है। तो आपको प्रत्येक दशा में बाएं पटरी पर गाड़ी रोकनी है, ठीक है? तो इसलिए आप अपने निर्धारित गति में चलें, आप अपने सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलें, अपने हित में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलें। इसलिए सड़क पर जब भी चलें आप अपना बाएं पटरी से चलें, सवारियों को आसानी से उतारें और आसानी से चलें। अगला गाड़ी अगर सामने वाला यदि बत्ती जलाता है, आपको पता होना चाहिए कि यदि सामने से आ रही गाड़ी लाइट जला दी है तो आपको पास देना है। समझ रहे हैं ना? आपको पास देना। अगर वो बत्ती पहले जला देता है तो आपको पास देना है, आप बाएं कर लीजिए। अब ये नहीं उसने बत्ती लाइट जला दिया, चलो मैं तो अपने ही उसमें चलूंगा। तो आपको कोई मन में इस तरह की बात, जो नियम उसका आपको पालन करना है। इसलिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आपको जो बताया गया उसका नियमित पालन करिए, सड़क पर सुरक्षित चलिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, शासन द्वारा तमाम टेलीफोन नंबर फ्री आपको दिए गए, आप उस पर डायल करिए, पुलिस आपको अधिक से अधिक 20 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपको जो सहयोग लेना होगा आप ले लीजिए, लेकिन आपको अपने निर्धारित गति में चलना है। इसलिए जनता का या सवारी को हित में ध्यान में रखते हुए, अपने हित में ध्यान में रखते हुए आप अपनी गाड़ी को बहुत ही निर्धारित गति में चलाइए, ठीक है? इन्हीं बातों के लिए आप लोग बुलाया गया था। आप लोग और DL आपके होने चाहिए, आप तीन पहिया के तो आपको DL होने चाहिए, तो आप अपना DL अपने पास रखिए, ठीक है? ये सारी बातें आपको ध्यान